हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लास्ट वीडियो। इसके अंदर हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। के लिए अगर हम किसी भी पार्टिकल को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे डिस्प्लेस करते हैं तो हमें फोर्स लगाना पड़ता है। अगर ये फोर्स जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ उसकी इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन पर डिपेंड करेगा, तो इस तरह के फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं, हमारा जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है या इलास्टिक स्प्रिंग फोर्सेस होते हैं, उसको हम कंजर्वेटिव फोर्सेस के नाम से का एक बेस्ट एग्जांपल है। अब कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? कंजर्वेटिव का मतलब होता है कंजर्व करना। तो जो कंजर्वेटिव फोर्सेस जब लगते हैं तो एनर्जी जो है वो कंजर्व होती है, यानी कि एनर्जी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता, एनर्जी हमारी लॉस्ट नहीं होती है, इसलिए इनको कंजर्वेटिव फोर्सेस कहा जाता है। सो ये दिस फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत सारे हमारे नेचर के अंदर ऐसे फोर्सेस हैं जो कि जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेज। अब लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल। इसको हमें अच्छे से समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। इसके अंदर हमने क्या किया है कि एक ऑब्जेक्ट है जो जो बी पॉइंट पे, इसको उठा के हम क्या करते हैं, ए पॉइंट पे शिफ्ट कर देते हैं। तो जो हमारा इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करता है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब हम वर्क करता है, और इसको अगर हम ए से बी पे ले जा रहे हैं, और इसको अगर हम इस पाथ के अकॉर्डिंग लेके जाते हैं या इस पाथ के अकॉर्डिंग कोई भी पाथ अगर फॉलो करेंगे, तो जो हमारी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा कितना रहेगा, डेल्टा एच रहेगा। सो इस कंडीशन में अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल हैज ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू द एम जी, तो यहाँ पर जो है एम जो है वो मास ऑफ द पार्टिकल हो गया, जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड इट्स वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय द डेल्टा एच। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो जो अगर हम टोटल वर्कडन निकालेंगे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जब हम इस ऑब्जेक्ट को ए पोजिशन बी पोजिशन से ए पोजिशन पर डिस्प्लेस किया, तो वो बराबर हो जाएगा माइनस एम जी डेल्टा एच के बराबर। और जो हमारा एम जी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स, और डेल्टा एच जो है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। तो जो हमारा वर्कडन का फॉर्मूला आता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। So this is force and this is displacement. So delta h is the difference between the initial and final position, and जो g है वो acceleration due to gravity होता है, m is the mass of the body. So इस condition में होता है कि no matter how complicated the path taken by the particle might be, जैसे इसमें हमें ये समझा कि हम किसी भी पाथ को अगर फॉलो करेंगे तो उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम रहेगा, इसलिए हम इजीली जो है वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट अबाउ एक्सप्रेशन, और सिर्फ हमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वो पता होना चाहिए। हम ये अब इसके बाद हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। इफ़ ए फोर्स हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, अगर उसकी ये जो प्रॉपर्टीज़ होगी तो उसको हम कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। जैसे अगर फोर्स जो है वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे अगर डिपेंड नहीं करता है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर हम एक क्लोज पाथ पे अगर हम मूव कर रहे हैं, तो वर्क डन जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स के से जो किया जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होने वाला नहीं है। इसलिए तो क्योंकि जो कंजर्वेटिव फोर्स है उस वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ वर्टिकल पोजीशन पे डिपेंड करता है, और अगर क्लोज पाथ है तो इनिशियल फाइनल पोजीशन एक ही जगह पे रहेगी, एंड दैट इन दैट केस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज क्या होते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज जो होते हैं फॉर विच द वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द पार्ट टेकन, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है फ्रिक्शन, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम रफ सरफेस पे मूव करते हैं तो हमें वर्क डन करना पड़ता है, और कुछ जो वर्क डन है वो फ्रिक्शन के फॉर्म में जो है वो फ्रिक्शन की वजह से हीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो हमारा फ्रिक्शन है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में आएगा। ए फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स विच इट रिजल्ट्स इन द चेंज ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी विच इज नथिंग बट द सम ऑफ द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वर्क इज डन बाय द फ्रिक्शन, क्योंकि अगर हम किसी रफ सरफेस पे ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो जो हमें वर्क डन करना पड़ता है बाय द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, तो थर्मल एनर्जी जो है जो कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है वो थर्मल एनर्जी में डिसिपेट हो जाता है। द एनर्जी लॉस कैन नॉट बी फुली रिकवर्ड, और जो एनर्जी है उसको हम वापस क्या कर सकते हैं, रिकवर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इससे हम जज कर सकते हैं कि जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है।
इट इज़ पाथ डिपेंडेंट, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि ये पाथ डिपेंड ओरिएंटेड होता है तो ये इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है. और इन एनी क्लोज पाथ द टोटल वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज नॉट जीरो. और क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड करेगा तो चाहे अगर हम क्लोज पाथ फॉलो कर रहे हैं यानी कि हम इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन अगर सेम होगी तो भी जो हमारा वर्क डन जो है वो जीरो नहीं होगा. सो दैट इज़ ऑल अबाउट द कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. क्योंकि ये तो हमने बहुत जगह पर यूज़ करी थी इसलिए इनको समझना हमारे लिए ज़रूरी था. इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है. एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.